का बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, आरोपी बलराज गिल और रवि बंगा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बलराज और रवि पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिव्या के शव की जानकारी देने वाले को भी 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बलराज और रवि पर दिव्या की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का आरोप है। दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी बलराज गिल और रवि बंगा, इन दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। 50,000 रुपए का इनाम भी इन पर रखा गया है। और दिव्या के शव की जो जानकारी देगा उसे भी 50,000 रुपए मिलेंगे। अभी तक पुलिस दिव्या का शव नहीं ढूंढ पाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 जनवरी का यह मामला है। 2 जनवरी को दिव्या पाहुजा का मर्डर हुआ था और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार अगले ही दिन कर लिया गया था, लेकिन अभी तक शव के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। अगर कोई शव की जानकारी देता है तो उसे भी 50,000 रुपए मिलेंगे, 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और जो दो आरोपी हैं बलराज और रवि, इन पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा गया और साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में? लुकआउट नोटिस जारी किया गया दो आरोपियों के खिलाफ और शव की जानकारी भी अभी तक नहीं जुटा पाई है पुलिस। मर्डर केस मामले में आरोपी बलराज गिल और रवि बंगा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बलराज पुलिस ने बलराज रवि बंगा के खिलाफ नोटिस जारी करके दोनों के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। साथ ही जो दिव्या पाहुजा के शव की जानकारी देगा उस पर भी 50,000 रुपए का पुलिस इनाम देगी। पुलिस को शक है कि दोनों के विदेश भागने की संभावना के चलते ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। लगातार अभी तक दिव्या की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली है। हालांकि 2 जनवरी को गुरुग्राम में दिव्या की हत्या हुई थी और आज 10 जनवरी यानी 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक दिव्या की डेड बॉडी नहीं मिली है और इसको लेकर के गुरुग्राम पुलिस लगातार तलाश भी कर रही है। अब बलराज और रवि बंगा के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दोनों के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। तो दिव्या पाहुजा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी बलराज गिल और रवि बंगा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इन दोनों आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। दिव्या के शव की जानकारी देने वाले को भी 50,000 रुपए मिलेंगे। पुलिस अभी तक शव का पता नहीं लगा पाई है और इन दोनों आरोपियों पर शव को ठिकाने लगाने का आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी बलराज गिल और रवि बंगा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।